ये मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा की संडे की क्लास है और क्लास बायो की ही है और टॉपिक जो चल रहा है क्या चल रहा है टॉपिक बच्चों? अरे टॉपिक कौन चल रहा है तुम्हारा बायो वाला? ह्यूमन डिसीज अर्थात हिंदी बोलेंगे तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो एक आपके रोग बहुत फैला हुआ है जिसको हम लोग कई नाम से जानते हैं, आँख आई है, कुछ लोग बोल देते हैं कि आँख आ गई है ना, और अगर हम वैज्ञानिक भाषा में बोलें तो इसको आई फ्लू माने आँखों का बुखार। तो राजीव सर भी क्लास में हैं और इसी क्लास में आज हमने समन बनाया कि चर्चा करते हैं, कुछ लोगों को हुआ भी है, दिखाओ किसी को हुआ, मधु को हुआ है दिखाइए कुछ लोगों को है भी, कुछ लोगों को ठीक हो गया है। तो छुआछूत की बीमारी है, थोड़ा सा ये दूर रहें और आज हम इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे राजीव सर से। हाँ तो सर बताइए, ये आई फ्लू जो फैला हुआ है बहुत सारा। चलो तो थोड़ा सा अपन क्या ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ही पढ़ रहे हैं, तो क्या इसी से रिलेटेड अभी जो आई फ्लू फैला हुआ है ना, क्योंकि अपन डिसीज रोग पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा आई फ्लू के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपके लिए इफेक्टिव भी, क्योंकि किसी बच्चे को हो जाए ना, तो नीट नर्सिंग वाले बच्चे को अगर हो गया तो उसका हफ्ता भर बर्बाद हो जाना है ना, क्योंकि आंखों में जलन और लाल बन रहेगा तो बच्चा अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को जानने की और जरूरी है, जो नीट नर्सिंग वाले बच्चे जिनको कॉन्टिन्यूस दिन में 8-8, 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो उनके लिए जानना बड़ा जरूरी है। तो इस समय जो आई फ्लू फैला है, पहले ये कौन से सीजन में अक्सर बढ़ जाता है, तो ये जो बारिश का सीजन होता है ना, अभी बारिश का सीजन चल रहा, सावन चल रहा, तो इस सीजन में थोड़ा सा क्या ये आई फ्लू बढ़ जाता है। अभी आई फ्लू किसी भी प्रकार का हो सकता है, बैक्टीरिया के द्वारा भी हो सकता है ना। तो ये आई फ्लू जो है आपका, है ना, अब असल में इसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस, मतलब आंखों में कंजक्टाइवा होता है, ठीक है। ये जो व्हाइट पोर्शन नॉर्मली, अभी जो यहाँ पे आपको रेड दिख रहा होगा, ये नॉर्मली अपन के आंख में कैसा रहता है, सफेद कलर का दिखता है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं कंजक्टाइवा, यहाँ पे क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, तो इस बीमारी को बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। क्या बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस। तो इसमें क्या होता है, जो ये कंजक्टाइवा है इसमें इन्फेक्शन हो गया है। अब ये इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है, मतलब कि आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है और फंगल भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। अभी अपन को नहीं पता कि ये किस रूप में है, है ना। चलो अब देखो इसके कुछ नॉर्मल सिम्टम्स क्या है जो अपन को दिखते हैं आंखों में, क्या क्या होता है। पहली बार स्वेलिंग आना चालू हो जाती है, सूजन आ जाती है, तो आप देखेंगे आंख आपकी सूजी दिखेगी ना, पुतली हो गई और ये सब क्या है, सूजी, आईलिड्स हो गई, वो सूज जाती है। दूसरा क्या दिखता है, ये रेडनेस आपको दिख रहा होगा लाल कलर से, तो ये आपकी दूसरी चीज क्या हो गई, रेडनेस, आंखें लाल हो जाती हैं। जिनको हुआ होगा या जिनके कॉन्टेक्ट में कुछ लोगों को हुआ होगा उनको ये पता होगा कि आंखें कैसी हो जाती है, लाल। तीसरा सिम्टम क्या हो गया भैया, जलन होने लग जाती है ना, बर्निंग सेंसेशन या इरिटेशन होता है, मतलब अगर आप लाइट को देखोगे तो लाइट को देखते ही आंखों में एक इरिटेशन होना चालू हो जाता है ना, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो एक इरिटेशन बोल सकते हैं, जलन बोल सकते हैं, ठीक है, ये सिम्टम हो गया। साथ में कभी कभार कुछ लोगों में क्या देखने को मिलता है, इस एरिया में साइड में यहां पे क्या होता है, व्हाइट कलर का फ्लूइड इकट्ठा होना चालू हो जाता है, तो सुबह वो लोग उठते हैं सोकर तो उनकी आंखें चिपचिपी हो जाती हैं, है ना, जैसे सुबह उठेंगे उनको लगेगा आंख खोलने में उनको दिक्कत आ रही है, मिरर में देखेंगे तो व्हाइट कलर का फ्लूइड लगा होगा यहाँ साइड पे, ठीक है। तो ये हो गए उसके कुछ नॉर्मल सिम्टम्स जो अपन को मेनली दिखेंगे। अब इसमें आपको बचने के लिए क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बचना है, क्योंकि सीजन की वजह से हो रहा है और ये छूने वाली बीमारी है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो फैला हुआ है कि देखने से होता है, नहीं, आई फ्लू कभी भी देखने से नहीं होता, इसको हिंदी में आंख आना बोलते हैं, है ना, कभी भी देखने से नहीं होता। अपन बचपन में सोचा करते थे ना कि इसको आई फ्लू है, हमको देख लिया तो हमको भी हो जाएगा, नहीं, देखने से कभी नहीं होता। ये कैसे होगा, मान लो किसी आदमी को कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू है, ठीक है, उसने अपनी आंख ऐसे टच की, ठीक है, और कोई भी चीजों को टच कर दिया, अब आपने भी उस चीज को टच किया और अपने फेस में वही हाथ घुमा लिया, आंख में वही हाथ घुमा लिया, तो जो भी उसका पैथोजन था, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगल हो, वो आपकी आंख में भी आ जाएगा, और जैसे ही आपकी आंख में आया तो आपको भी सिम्टम आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग इस समय सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, जो जाके जो दवाई की दुकानें हैं ना उनसे जाके दवाई ले रहे हैं, सबसे गलत चीज इसमें क्या है, जो दवाई वाले हैं उनको आइडिया नहीं, वो स्टेरॉइड भी दिए दे रहे हैं। नॉर्मली इसमें जो मेडिसिन यूज होती है वो आपको किसी आई स्पेशलिस्ट से ही जाकर पूछना है,
बात समझ में आ रही है? आप किसी भी मेडिकल शॉप से जाकर मत पूछो, वो आपको स्टेरॉइड वाली दवाई दे रहे हैं, और स्टेरॉइड अपन आंख में ऐसे यूज नहीं करते हैं। अरे बात समझ में, कंजक्टिवाइटिस में स्टेरॉइड यूज होता है, लेकिन एक बार आंख में फंडल एग्जामिनेशन उसको बोलते हैं, आंख चेक करना, उसके बाद जाकर स्टेरॉइड देते हैं। तो कभी भी किसी दुकान वाले से जाकर दवाई नहीं लेनी अपन को, है ना। वो नॉर्मल एंटीबायोटिक आजकल क्या चल रहा है, मॉक्सीफ्लुएक्सासिन नाम की एक एंटीबायोटिक दे रहे हैं, साथ में उसमें कुछ स्टेरॉइड भी मिला है, ठीक है। तो और साथ में वो सीएमसी दे रहे हैं, सीएमसी मतलब मिथाइल सेल्यूलोज, तो उसको आर्टिफिशियल टीयर बोलते हैं। तो वो एक बार ठीक भी है कि आप एक बार डाल सकते हो, आपकी आंख में जो गंदगी है एक बार उसको साफ कर देगा, लेकिन वो जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं मॉक्सीफ्लुएक्सासिन, साथ में वो स्टेरॉइड वाला भी दे रहे हैं, मतलब स्टेरॉइड भी उसमें मिला हुआ है, तो वो आपको यूज नहीं करना है किसी भी मेडिकल स्टोर से जाकर। ये सभी लोग याद रखें, और यूट्यूब में भी जितने लोग देख रहे हैं याद रखें कि मेडिकल शॉप से जाकर आप लोगों को दवाई नहीं लेना है, हमेशा डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्टेशन लें और फिर जाकर दवाई लें। क्योंकि ये जो अगर आप स्टेरॉइड ले लिए, आंखों में बहुत सारी ऐसी बीमारी भी होती है, स्टेरॉइड डालने पर उनकी कंडीशन खराब हो सकती है, इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो जाए, आगे आपको दिखना भी बंद हो जाए, है ना। तो मेडिकल शॉप वालों से कभी जाकर दवाई डायरेक्टली नहीं लेना है, पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर आपके पर्चे में जो भी लिखेगा वो जाकर आपको मेडिकल शॉप से लेनी है। अरे बात समझ में, आप केवल 20-25 रुपए बचाने के चक्कर में, है ना, या डॉक्टर की फीस बचाने के चक्कर में 100-200-250 रुपए बचाने के चक्कर में अपनी आंख हमेशा के लिए खराब मत करो, है ना। हमेशा एक डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा, वो आपको बताएगा कि स्टेरॉइड की जरूरत है कि नहीं है। अरे बात समझ में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। बस इसी तरह टॉपिक खत्म कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से भी आप कोई भी दवाई मत लें जो वीडियो में बताई गई है, आप हमेशा डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से पहले कंसल्टेशन लें, वो आपके आई का चेकअप करेगा कि आपको किस प्रकार की बीमारी हुई है, उसके बाद वो आपको इलाज लिखेगा, ठीक है। थैंक यू, ठीक है, समझ गए आप लोग, कुछ बोलो, तेज बोलो, है ना। चलिए, धन्यवाद।